दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विमेन मिश्रा ऑफिशियल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए पूरे एक साल तक मैंने रिसर्च किया है और काफ़ी मेहनत की है इसको ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस ब्लॉग को आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। हाय, मैं हूँ आकाश पटेल, मैं मेहसाणा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें विमलेंद्र सर से एसोसिएट हुए हैं और एक प्रोडक्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो क्या है इसके अंदर, अनबॉक्सिंग में हम देखेंगे कि इससे क्या निकल रहा है। सो ये अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट अनबॉक्सिंग होने जा रही है। इसके लिए खास 70 किलोमीटर दूर से मेहसाणा अहमदाबाद से 70 किलोमीटर होगा ना, आई थिंक। यस, 70 किलोमीटर। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए आ चुके हैं। और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, कैंगन वाटर। यस, कैंगन वाटर का मशीन SD501 मॉडल से। SD501 यस, जो जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। चेंज योर लाइफ, दिस इज अ टैग लाइन आई थिंक सो। यस, ओके। ये सब उसका एक्सेसरीज है। थोड़ा बताइए, कैमरा भी दिया हुआ है इसके साथ। क्या क्या है? एक्चुअली फॉरेन के अंदर डायरेक्टली टैप वाटर में लगता है, हमारे यहाँ पे एक पहले सिस्टम लगती है। ये सब उसका एक्सेसरीज है। ओके, क्या क्या है एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए जरा। यस, एक्सेसरीज में एक एनहांसर है जो कंपनी साथ में देती है। ये सब क्लीनिंग की प्रोसेस का पाउडर्स है। एनहांसर का क्या काम है? एनहांसर का काम है, इसके अंदर से जो स्पेशली पानी निकलता है साग भाजी वगैरह सब वॉश करने के लिए, तो 11.5 pH का जब पानी बनता है तो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए एनहांसर का यूज किया जा सकता है। ओके, है ना। तो मशीन को निकालते हैं अभी। हैवी वेट है क्या? मैं हूँ। नहीं, हैवी वेट नहीं एक्चुअली। ओके, आप नीचे रख लो। वाओ, दिस ब्यूटीफुल मशीन। ये जापान से आया हुआ है, अभी जापान से डायरेक्टली अपने घर पे आता है और यहाँ पे अनबॉक्सिंग होता है। बीच में कोई इसको यूज नहीं कर सकता, मतलब वैसे कोई डीलर के वहाँ पे स्टॉक वगैरह नहीं रहता है। सीधे जापान से? या सीधा जापान से अपने घर पे। जापान से बैंगलोर आई थिंक आता है, बैंगलोर टू सीधा। जिस हिसाब से बैंगलोर अपना हेड ऑफिस है तो बैंगलोर पे स्टॉक रहता है तो बैंगलोर से आता है, अगर वहाँ पे नहीं रहता तो डायरेक्टली जापान से भी डिलीवर होता है। राइट राइट राइट। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारे साथ कुछ कलिंग्स भी आए हुए हैं जो इसको इंस्टॉलेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं हमें। राइट, जो स्पेशली सूरत से आए हुए हैं। थोड़ी देर में हम बताएंगे इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इसका यूज कैसे होता है। आप प्रोडक्ट के बारे में जो है ये बता दीजिए, इसमें क्या क्या एसेसरीज जो आती है वो बता दीजिए। यस, एसेसरीज में CPU यूनिट है जो 2 महीने में एक बार इसके यूज़ होगा। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है। ये दिया हुआ है जब मशीन टैप वाटर में लगता है। इंडिया में स्पेशली आगे TDS कंट्रोलर लगता है, ये फॉरेन वगैरह में जब मशीन यूज होगा तो डायरेक्ट अगर आपको टैप वाटर से कनेक्ट करना है तो इसके लिए ये मशीन। इंडिया में क्या है ना, जो रेगुलर पानी है वो पीने लायक नहीं रहता, तो उसके आगे हमको TDS कंट्रोलर लगाना पड़ता है। सभी जगह नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर है। यस, मैक्सिमम जगह पे TDS कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। ये क्लीनिंग प्रोसेस का पाउडर है जो कंपनी साथ में देती है, जो टाइम के हिसाब से इसको यूज करना रहता है। okay. ये सब फिटिंग एक्सेसरीज है, यूजर मैनुअल की CD है। यस, यूजर मैनुअल्स दिया हुआ है। और ये pH कार्ड आई थिंक। यस, pH टेस्टर्स है जो रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि मशीन क्या क्वालिटी का पानी दे रहा है सब। ये आउटलेट फोर्स का दिया हुआ है जो आउटलेट फोर्स में ये यूज होगा। ओके ओके, जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब पता चलेगा। ये भी एक्सेसरीज है जो फिटिंग्स का। ठीक है, ये अपना एनहांसर बता दिया। या एनहांसर में वो आपको जब इंस्टॉलेशन होगा तो दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। राइट, सो इसका मशीन का थोड़ा सा ये आउटपुट है। आउटपुट्स दोनों जगह पे निकलता है, 70-30 का रेशियो रहता है।
ऊपर से अल्कलाइन पानी और नीचे से एसिडिक वाटर निकलता है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है। इसके जो फीचर्स है, ये जो कलरफुल, इसमें कैंगन क्लीन, ये जो है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन। इसको मैं लाइव जब लग जाएगा तो वहाँ पे डिस्प्ले में सब कुछ नोटिफाई करेगा, तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ से पानी चालू हो गया है मशीन का, घर की लक्ष्मी के द्वारा। अच्छा, लेना यही से क्या पानी? हाँ, लेना यही से। आप इसको जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रखना तो जो पानी वेस्ट नहीं, नहीं वेस्ट वाला, ये वाला वेस्ट है। अच्छा, तो ग्लास लीजिए ना। सो दोस्तों, हमारा कैंगन वाटर मशीन स्टार्ट हो गया है। सो देखते हैं इसका हम लोग क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डेमो आपको दे रहे हैं। मशीन सिंपली ऐसे पावर ऑन करना है यहाँ से, राइट। तो अभी हम लोगों ने किस पीएच पे सेट किया है इसको? 9.5 पीएच पे चल रहा है अभी। ओके, राइट। 9.5 पीएच रेगुलर पानी है पीने का। स्टार्टिंग में जब पानी पीना चालू करो तो 8.5 पीना है। एक वीक 8.5 के जाने के बाद आपको दूसरे वीक में 9 पीएच पीना है, और 9 पीएच दूसरा वीक पी लेने के बाद तीसरे वीक में 9.5 पे जाना है, राइट, है ना? तो 9.5 पे ये पानी ये लाइव वाटर का कॉन्सेप्ट है। लाइव वाटर मतलब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्टिव हाइड्रोजन के बबल्स है। ये 20 सेकंड रहेंगे, 20 सेकंड के बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे, देखिए जरा, राइट राइट, है ना? तो ये पानी पीने का कॉन्सेप्ट है मशीन लाने का। एटलीस्ट पर डे में 3 से 4 बार ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी पीना है आपको, राइट। देखिए 20 सेकंड पूरा पानी, बारे में हम लोग बाद में चर्चा, यस, बेनिफिट के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। बेनिफिट के बारे में कुछ भी ज़्यादा जिम्मे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा डेमोस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे बबल्स हैं, ये हाइड्रोजन बबल्स हैं ना? यस, एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये जो बहती हुई नदी रहती है, वो जहाँ से वो पत्थर से पानी आता है ना, वो पानी में ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन के बबल्स रहते हैं, हमारे नॉर्मल पानी में नहीं दिखेंगे। दिखे जरा, इसका थोड़ा पीएच चेक करके बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ये अपना टैप वाटर है, टैप वाटर में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आओ, है ना? तो ये डिफरेंस है मशीन का और नॉर्मल टैप वाटर का, राइट। मशीन को बंद कर लेते हैं। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बताया कि 8.5 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच, ये रेगुलर आपको पीने का पानी है। जो पहले वीक में 8.5 पीएच पीना है, नेक्स्ट वीक में 9 पीएच और उसके नेक्स्ट वीक में 9.5 पीएच। ये क्लीन वाटर है जो 7 पीएच का है, जो मेडिकेशन फॉर्मूला, कोई दवाई का एडिक्शन है आपको, या तो फिर दवाई लेते हो तब 7 पीएच पानी पीना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 100% न्यूट्रल वाटर पीना है, है ना? और छोटे बच्चे को, 5 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको 7 पीएच पानी पिलाना है, और प्रेग्नेंट लेडीज हो तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 7 पीएच पीना है। ये ब्यूटी वाटर है, वो स्किन की कोई भी बीमारी है आपको तो उसको स्प्रे करने के लिए एज अ ब्यूटी टोनर यूज कर सकते हैं, और ये पानी से नहाना है आपको। कितना पीएच है इसका? 6 पीएच है, 6 पीएच। हाँ, ये पानी से नहाएंगे आप तो स्किन की आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती इसमें। ये लास्ट वाला वाटर है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, जो एज अ सैनिटरी यूज कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर का आप स्विच यहाँ पे पुश करोगे तो ऊपर से जो पानी आएगा वो 11.5 पीएच का आएगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग वाटर है उसमें 2.5 पीएच आएगा। ये 11.5 पीएच का जो पानी है, वो सब्जी वगैरह जब मार्केट से लाते हैं तो उसको 15 से 20 मिनट पानी में ऐसे एक बाउल में रख लेने का, और 15 से 20 मिनट उसमें डुबा देने का। जितनी भी पेस्टिसाइड है, जितने भी केमिकल्स रहते हैं, सारे के सारे केमिकल 11.5 पीएच से अंदर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी का कलर देखोगे तो पूरा चेंजेस आपको दिखेगा। करेक्ट। और यहाँ पे जो 2.5 पीएच का पानी आता है वो आप एज ए सैनिटरी यूज कर सकते हैं, या तो फिर स्किन का कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पे स्प्रे करने का है। स्प्रे करने के बाद ऐसे आपको रब कर देना है, रब करने के बाद वो पोछे से रब कर लेना है, उसके बाद 6 पीएच डालना है इधर, और 6 पीएच को वैसे ही सुखा देना है, उसको कुछ करना नहीं है। स्किन की कोई भी बीमारी हो तो वहाँ से धीरे धीरे आपको दूर हो जाएंगे।
स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर में यहाँ पे जो रिमेनिंग वाटर आएगा 2.5 पीएच, इसको आप स्टेरिलाइजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसका गार्गल भी कर सकते हैं आप। गार्गल करने से क्या होगा कि मुंह में जितने भी जम्स है या तो फिर गले की कोई भी बीमारी है तो आपको धीरे धीरे दूर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिडिक में, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर में। एक बार फिर से आप पूरा ये चार्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि चार्ट में भी दिखा हुआ है कि 9.5 पीएच मतलब केंगन वाटर है। जब यहाँ पे टोटल मिला के लिक्विड के 14 पीएच रहते हैं, तो जब 8.5 पीएच निकालेंगे तो रिमेनिंग जो वाटर बचेगा 14 में से वो यहाँ से निकलेगा, राइट। जब यहाँ से 9 पीएच निकलेगा तो 9 से जो रिमेनिंग है 5 पीएच इधर से निकलेगा, 5 पीएच यहाँ पे निकलेगा, है ना। तो 14 पीएच को मशीन डिवाइड करता है, जो एसिडिक पार्ट है उसको अलग करता है और अल्कलाइन का पार्ट है उसको अलग करता है। क्लीन वाटर निकालेंगे तो इधर 11.5 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऊपर से 11.5 आएगा, सामने से 2.5 पीएच आएगा, क्लीन के सामने क्लीन आएगा, दोनों में क्लीन निकलेगा। और ब्यूटी वाटर जब ऊपर 6 पीएच करेगा तो रिमेनिंग में आपको केंगन वाटर आएगा, लेकिन आपको वो यूज करना नहीं है, वो आपको जाने देना है। कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर एक भी बूंद वेस्टेज नहीं है, हर पानी अपने काम का ही है, तो एक भी बूंद पानी से वेस्टेज नहीं जाएगा। यानी जो पीने वाला पानी है और वो जो वेस्ट निकल रहा है लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको हम नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। अलग से भी स्विच दिया हुआ है और सामने भी निकलता है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। निकालेंगे तो सामने निकलेगा भाई, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पानी बहुत हल्का है, आप 3 से 4 ग्लास आराम से पी सकते हो इसको। कितना अभी 9.5 है? यस, अभी 9.5 निकाला है। लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अभी लाइव डेमो देखने जा रहे हैं किंगन वाटर का। हेलो दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन में। ये हमने चालू किया है 9.5 पीएच का पानी, चेक करते हैं कि एक्चुअली 9.5 पीएच मशीन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमारे पास ये पीएच ड्रॉप्स है जो पहले लिटमस पेपर की स्ट्रिप यूज करते थे, इसका लिक्विड फॉर्म है, यूनिवर्सल कंडक्टर भी बोलते हैं इसको। देखते हैं कि इसका पीएच कितना है। ये हो गया 9.5 पीएच। आप पीएच चार्ट में भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर अपने पास है ये फिनोल फिलिंग की बॉटल्स, जिसको ओआरपी टेस्टर भी बोलते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितना है। जो 9.5 पीएच का पानी है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितना है ये ड्रॉप्स के थ्रू में पता चलेगा। ओ बापा रे, -400 से -500 ओआरपी का पानी है। तो आपने देखा कि जिस हिसाब से यहाँ पे पीएच दिखा रहा है उस हिसाब से हमने पानी को चेक किया हुआ है कि पीएच टेस्टर भी ओके है और ओआरपी टेस्टर भी ओके है पानी का। अब मशीन रेडी टू यूज है।